ال <applause> नाजिर नगराम क़दर असलकुम वक मैं हूँ आपका मेजबान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरान की एक सौ सत्तरवीं क़स्त महजा फरमा रहे हैं नाजरगरामी सुर बकर आज हम तीन आयतें यानी आयत नंबर दो सौ चार दो सौ पाँच और दो सौ छः की तफसीर पेश करेंगे आइए तिलावत कर लेते हैं सबसे पहले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم फसव हु जहाबासम यानी और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बात आपको दुनिया की ज़िंदगी में बड़ी भरी मालूम होती है और वह अपनी नेक नीयती पर बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है मगर हकीक़त में वो बदतरीन झगड़ालू होता है और जब ये मुनाफिक बात करके लौटता है तो अमला उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि ज़मीन में फसाद फैलाए खेतियाँ बर्बाद करे और नस्ल इंसानी व हैवानी को तबाह व बर्बाद कर डाले हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फसाद को हरगस पसंद नहीं करता और वो इस पर तुर्रा ये कि जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसका गुरु उसे गुनाह पर जमा देता है ऐसे शख़्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा गहवारा रहा है नाज ग्रामी फरमाया गया वमिननासी मई जीबू का कउलू फ़िलहिया दुनिया वमिननासी कि अगर तर्जुमा करेंगे तो और लोगों में से ज़रूरी नहीं के बाज से सिर्फ़ एक आदमी ही मुराद है एक भी हो सकता है उसी फ़ितरत के बहुत से आदमी भी मुराद हो सकते हैं अंग्रेजी में उस अंग्रेज़ी में उसकी वजाहत इस तरह कर सकते हैं देर इज़ द टाइप ऑफ़ द मैन यानी मई युज का कलू के माने तजब में डालती है आपको बात उसकी मन जिसकी माने आते हैं युजो का युजो अलग और काफ़बर का अलग तजब में डालती है यानी युजू प्लस का आपको या हैरानी में डालती है आपको उर्दू में अजब वरीब तजब वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और कौलू के माने आते हैं उसका क़ौल या उसकी बात फ़ी के माने में मैं और अलहयात दुनिया दुनिया की जिंदगानी फिर आगे फ़रमाया गया व युशुल्ल अफी कल भी वह हुआ अल्दुल्खसाम मौलाना अमीन अहसन असलाहमत लिखते हैं ये इशारा है मुनाफिकीन की तरफ जिन लोगों के किरदार कमज़ोर होते हैं उमूमा वो गुफ्तु के बड़े गाजी होते हैं ये अपनी अमली कमजोरियों पर अपनी चरब ज़बानी और खुशगुफ्तारी से पर्दे डालने और मुखातब की नकनीयती और करीमनफसी से फ़ायदा उठाकर उसको अपने तर्ज अमल के बारे में मुतमिन करने की कोशिश करते हैं मदीने के मुनाफिकीन में भी एक ग्रोह ऐसे लोगों का था ये लोग खाते पीते सहल पसंद तन आसान और चरब जबान हुआ करते थे शक्लें अच्छी लिबास साफ सुथरे मजलिसी आदाब में मुश्ताक लेकिन दिल के बोदे और अमल के चोर थे आ हजरत अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो इस्लाम की हिमायत में आसमान ज़मीन के कलाबे मिलाते लेकिन जब वहाँ से हटते तो उनकी सारी भागदौड़ इस्लाम की मुखालफत की राह में होती है और इन्हीं लोगों की तस्वीर सुरह मुनाफिकीन के आयत नंबर चार में इन अल्फाज में खींची गई है जिसका तर्जुमा है यानी और जब तुम उनको देखते हो तो उनकी शक्लें तुम्हें अच्छी लगती हैं और अगर वो बात करते हैं तो उनकी चरब ज़बानी को चरब ज़बानी की वजह से तुम उनकी बातें सुनते हो लेकिन हकीक़त में ये लकड़ी के कुंदों के मानंद हैं जिनको टेक लगा दी गई हो ये हर ख़तरे को अपने ही ऊपर समझते हैं असली दुश्मन तो यही है बस इनसे से बचकर रहना या बचकर रहो अल्लाह उन्हें हलाक करे ये किस तरह वोंदे हुए जाते हैं वही शहीद आला फिलकलबी ही के माने अल्लाह को गवाह ठहराने के माने अल्लाह की कसम खाने के हैं ये मुनाफिकीन अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए झूठी कस्में खाते हैं और कस्मों को अपनी ढाल बनाते हैं सुर मुनाफिकून की पहली और दूसरी आयत में उनकी इन झूठी कस्मों का जिक्र इस तरह आया है जिसका तर्जुमा ये है कि यानी नबी जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं हाँ अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ये भी गवाही देता है कि मुनाफिक कति ही झूठे हैं उन्होंने अपने कस्बों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को रोकते हैं कई सी बुरी हरकतें हैं ये जो लोग कर रहे हैं फिर नाजनिकरामी इसी आयत में फ़रमाया गया वह खिसाम यानी और वो बदतरीन झगड़ालू हैं हैं वहुआ के मान आते हैं और वो सख्त झगड़ा करने वाला और किसी की बात ना मानने वाला अलखिसाम झगड़े में माहिर होना मोहम्मद बिन अहमद अलंसारी करतबी लिखते हैं अयुआ जू जदालन इदा मका व राजा आका रई तलामी ही तलावत व बातिन कुरतबी में अल्दुल्कसाम वो झगड़ालू शख्स है जब तुमसे बहस मुहसा और बातचीत करता है तो ज़ाहरी तौर पर उसकी गुफ्तगु चिकनी चपड़ी होगी जबकि उसका बातिन धोखा और फरेब का गमास होगा और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रजील तह से रिवायत है कि रसुलकरम सल्ला वसम ने इशाद फरमाया इन अब गज़र रजादल्हसीम अल बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफरत शख्स कट्टर किस्म का झगड़ालू है आगे फ़रमाया गया व इज़ा तवल साफ़िल और फ़ीहा व युह निकल हर्ष व नस्ल वल्लबुलफ़ल यानी और जब ये लौटता है तो कोशिश करता है ताकि ज़मीन में फ़साद बरपा करे उसमें यानी ज़मीन पर हलाक करे खेती को तबाह बर्बाद करे खेती बाड़ी और नस्ल को और अल्लाह नहीं पसंद फरमाता फ़साद को वहीज़ा के मानिए और जब तोल्ला लौटता है सा के मान आते हैं वो कोशिश करता है वो जद्दोजहद करता है दौड़ धूप करता है सरगर्म अमल रहता है सही व कोशिश की तरकीब उर्दू में भी इस्तेमाल होती है फिल अर्जी के मान आते हैं ज़मीन में लिए युफसदा ता के फसाद बरपा करें यानी ली नामजे ली अलग युफा अलग है बिगाड़ पैदा करें फी हा उसमें व युलिका के मान आते हैं और हलाक करे अलहरसा के मान ज़मीन में बीच डालने और ज़िरात के लिए तैयार करने के हैं और खेती को भी हर्ष ही कहा जाता है कुरान में इसका तस्करा है और इसकी तफसत बयान की गई हैं जो कुरान और व नस्ल और नस्ल इससे मुराद नस्ल इंसानी और नस्ल हैवानी दोनों शामिल हैं फिर फरमाया गया वहसाद और अल्लाह फसाद को नहीं पसंद फरमाता मौलाना अमीन हसन इस्लाहल्ला लिखते हैं तुम्हारे सामने तो उन मुनाफिकीन की बातें बड़ी दिल लुभाने वाली होती है लेकिन तुम्हारे पास से हटने के बाद उनकी सारी भाग दौड़ फिल अर्ज़ की राह में होती है या अल्लाह की बंदगी और इतात की और उसकी तरफ दावत की मुजाहमत और मुखालफत है जो नबी करीम अलैहि वसल्लम दे रहे थे ज़मीन के तमाम अमन और अदल का इिसार इस बात पर है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह ही की बंदगी उसी कीतात में दाखिल हो जाए जैसा कि आगे इर्शाद हो रहा है उदखलूफिसल में काफवा वला तब व शैतान अल्लाह की इतात में सब के सब दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो इस बंदगी इतात में दाखिल हो जाने के बाद शैतान के लिए दरअंदाजियों और फसाद की तमाम राहें बंद हो जाती हैं बसूरत देगर तमाम नस्ल इंसानी शैतान की फसाद अंगेजियों की आमाजगा बनी रहती है और वह बराबर बगज वदावत की आग भड़कता रहता है जो हर स नस्ल दोनों की तबाही का मूजब होती है फिर फ़रमाया गया वहीज़ाक़िल लहु तकल्ला अक़्ज़त हुआत बिल्सम फ़सब हु जहन्नम वलब इसलम हाथ यानी और जब उस मुनाफिक से कहा जाता है कि डर अल्लाह से तो पकड़ लेती है उसको इज़्ज़त गुरूर सात गुनाह के बस काफ़ी है इसको जहन्नम और वो बुरा बुरा गहवा है बड़ा वहीज़ा क़िल् के माने और जब कहा जाता है क़िल के माने आते कहा जाना लहू उसके लिए या उसे ये डरो अल्लाह से यानी यानि इख्तियार करो अल्लाह से अकज़त हुआज़्ज़्ज़्ज़्ज़्ज़्तों के माने आते हैं पकड़ती है उसको इज्जत, आमादा करती है उसकी इज्जत, इज्जत के माने यहाँ पर गुरूर के भी ले सकते हैं इसमी बाज़र भी अलग है इसम अलग है यानी गुनाह इसम के माने गुनाह के आते हैं बाज़र भी यहाँ पर साथ हो बस काफ़ी है उसके लिए जहन्नम के मानी जहन्नम दोजख और वला ऐसी इसमें वाह ज़बर वा अलग है लाम जबर ला अलग है बीस और ज़रूर बुरा है अलमिहाद गहवारा सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह ला लिखते हैं इस तरह की मुनाफिक का पिंदार उसे ना हक़ पर जमाता और ना अदल इंसाफ पर और ना ही खैर सलाह पर इसके बरक्स वो उसे हक़ तल्फी व गुनाह पर जमाता है वो जुर्म गुनाह और अल्लाह ताली की नाफरमानी पर फख्र करता है उसे हक़ की याद दहानी कराई जाती है मगर वो उसे सरता भी करता है और पूरी ढटाई से अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करता है हालांकि यही शख्स अपनी कलबी कैफियत पर अल्लाह ताला को गवाह ठहरा रहा था और ख़ैर हक के लिए खिलास याकसुई तकवा परजगारी का मुजाहरा कर रहा था इस आखिरी टच से तस्वीर के ख़दोखाल की तकमील और उसकी नकुश में इजाफा होता है और इसके इम्तियाजी पहलू उभर कर सामने आ जाते हैं यहाँ तक कि यह नमूना एक ज़िंदा व इंसान का रूप अख्तियार कर लेता है और तुम किसी तरद के बग़ैर बेख्तियारह उठोगे ये है वो ये है वो जिसका कुरान ने जिक्र किया है और तुम इस तरह के अफरा को अब अर अब और हर आन चलता फिरता देखोगे गुनाह पर इस फख्र गुरूर खसूमत में ऐसी शद्दत और फसाद में इस कसावत और फसाद फैलाने में इस दीदा दिलेरी के जवाब में कुरान उसके मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारता है जो इस पस्त और जलील खसलत के मुनासिब हाल है और इर्शात फरमाता है अल्लाह ती हँसबू जहन्नमसलिहाद यानी उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा गहवा है यानी हाँ हाँ जहनम उसके लिए काफ़ी है जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है वक़ूद वह हिजारा जहन्नम जिसमें गुमराह और शैतान के सब लश्कर ऊंदे मुँह झोंक दिए जाएंगे फकुब किबू फ़िहाम वून व जुनूद इबलीस अजमाऊन इब्लिस अजमाऊन जहन्नम जो चूर चूर कर देने वाली है अल्लाह की भड़काई हुई आग जिसकी लपेटें दिल तक पहुँच जाती हैं वम दुरा कमल हातम ना रुमक़द्लतीफीदा जहन्नम जो किसी को बाकी ना रखती है ना छोड़ती है लातबकी वाला तजर जहन्नम जो जोश और गैज़ वज़ब के मारे फटी पड़ती है तकाद तमयिन ग़ैस हाँ हाँ यही जहन्म उसके लिए काफ़ी है और वो बहुत बुरा गहवारा वसब हो जहन्नमला भीद किस कदर शदी तमस्र है निहाद गहवारा बिछोने के लफ्ज़ में और वह कितनी मुसीबत और तबाह है के लिए जिसका गहवारा और बिछोना ही जहन्म हो जबकि वो इससे कबल फ़ख्र नाज और तकबुर से फूला न समाता था नाज ग्ररामी आयात के हमत व बसीरत पर नज़र करते हैं तो बात समझ में ये आती है कि शरीय इस्लाम के मकासद तो ये हैं कि दुनिया में अदलानसाफ़ का सिक्का रवा हो हर शख्स इतमिन और सुख का सांस दे और ज़िंदगी के हक़ से पूरी तरह बहरवर हो इसलिए बंद मोमिन की जिम्मेदारी है कि वह अमन सलामती का दाई बनकर पैगाम हक़ को फैलाए इसके बरक्स दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अमन की फिज़ा अच्छी नहीं लगती वह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं ज़ाहरी तौर पर उनकी बातों में हमदर्दी और मिठास नज़र आती है और अपने आप को नस्ली इंसानी का बड़ा हमदर्द और खैर जाहिर करते हैं लेकिन दिल में इंतकाम और फसाद की आग भड़क रही होती है इसकी मिसाल आज ठीक आलमी ताकतों पर चश्मा होती है जिसने मुस्लिम ममालिक में बेतहाशा बारूद गिरा कर फसलों और नस्लों को तबाह कर डाला और अभी उनका इंतकाम ठंडा नहीं हुआ उन्होंने बेगुनाह मुसलमानों को भून डाला उनके तेल के चश्मों पर कब्ज़ा जमा लिया मजलूम मुसलमानों का कर्ज़ बनता है कि ऐसे कट्टर दुश्मनों को इतहाद बनाकर सज़ा दें जिनके इशारों पर नामूम कहाँ कहाँ जुल्म सितम हो रहा है अगर मजलूम मुसलमान दुनिया से शर और फसाद को ना रोकेंगे तो वो रोज़ियामत अल्लाह ताली के यहाँ कभी सुरखरू नहीं हो सकेंगी फिर फसाद बरपा करने वालों का साथ देना ऐसा ही बड़ा जुर्म है जैसा कि फसाद बर्पा करने वालों का होता है और फसादियों को कभी भी अल्लाह ताला की हिमायत नहीं मिल सकती ना ये है कुछ खुलासा मुझे इजाज़त इंशाल्लाह फिर आप हो। वर्क